हेलो चाचा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोगों के मैसेज कमेंट कि सर हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, तो इंग्लिश के अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले हैं कि हम क्या पढ़ करके जाएं, क्या तैयार करें। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, और इसके वो महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि टोटल 3 PDF आप लोग के लिए हमने तैयार की है, जिसमें आपके जो बुक हैं आपकी दोनों, ठीक है, इन दोनों बुक्स के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो आपका राइटिंग स्किल, जिसमें आपका सेल्स से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गया। और इसके अलावा आपको एक लिखने के लिए आ सकता है, स्पीच लिखने के लिए आ जाता है, और ऐसे ही आप टॉपिक देख सकते हैं जैसे कि लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया आदि। ये आपका किस में आता है? राइटिंग स्किल में आता है, जिसमें आपको स्पीच हो गया, आर्टिकल हो गया, इसके अलावा लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारा आपका राइटिंग स्किल में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्लस इसके अलावा जो आपकी बुकें हैं, यानी टोटल जो भी आपका ओवरऑल इंग्लिश का, अगर हम देखें स्टार्टिंग के 2 अनसीन पैसेज को छोड़ करके, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर इन PDF में कवर किए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपकी जो बुक है उसके देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम राइटिंग स्किल के देखेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो जो बच्चे PDF परचेस करेंगे उनको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, अदरवाइज जो बच्चे PDF नहीं परचेस कर रहे हैं वो अगर इतने पढ़ लेते तो आपके इजिली आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तब आप इन PDF को परचेस करिए, अदरवाइज आप इतना पढ़ करके भी पास हो सकते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आप इन PDFs को परचेस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम अ फोटोग्राफ, व्हाट इज द पोएट्स अ फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। तो क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा, बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे आंसर है वो वीडियो को रोक करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, इसको आपने एक देख लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोयम अ फोटोग्राफ, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज देयर अबाउट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम, तो इसका अगर आप देखेंगे द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम, द लेबनम टॉप इम्प्रेस इन द पॉइंट दैट द लेबनम ट्री इज साइलेंट एंड मोशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द गोल्ड फिंच बर्ड, अगला है जो कि आपने देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्नी ऑफ द सिचुएशन, और उसके बाद अगला है, हाउ इज द फादर हेल्पनेस ब्रॉट आउट इन द पोयम। नेक्स्ट है, ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है, देखो आपको यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी तीनों PDF कैसे ले सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप वेबसाइट से भी इसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है, हाउ डिड द नेटर सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज। अब चलते हैं आपको लेकर के कुछ उन क्वेश्चन पर जो कि आपके स्टोरी वाले सेक्शन से हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके स्टोरी वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्योंकि टोटल आपकी 2 बुक हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतान खातुम टू तूतान खामुन, आतेन से खामुन में चेंज क्यों किया। नेक्स्ट है, व्हाई वाज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड, एक आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ द सिटी स्कैन ऑफ किंग टूट्स मम्मी वाज कैरिड आउट ऑन 5 जनवरी 2005। तो लॉन्ग में क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो इसको आपने एक पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, व्हाई हैज इट बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
इसको आपने पढ़ लेना है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ उन क्वेश्चंस पर जो कि आपके ग्रामर सेक्शन से सॉरी राइटिंग स्किल से पूछे जाने वाले हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर हम वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके ग्रामर सेक्शन से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं, यू आर अ हाउस ऑनर इन द सिटकुल कॉलोनी ऑफ रुद्रपुर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ अ फ्लैट इन द पोस्ट कॉलोनी इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट, यानी आपको अपना फ्लैट जो है वो सेल करना है, बेचना है, उसके लिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट देना है। और जो इसके शब्द होंगे वो आपके 50 शब्द होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है। तो लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने सेम टू सेम वर्ड नहीं रट्टा करना है, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है। इसको आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में भी चेंज करके लिख सकते हो। सिर्फ आपने ये देख लो कि इसमें आपने एक बॉक्स बनाना है, फ्लैट फॉर सेल लिखना है, बाकी आपका जो फ्लैट है, आपका घर है, वो किस तरह का है, क्या क्या फैसिलिटी है आपके घर में, किस जगह पर है, वो सब कुछ आपने इसमें डिटेल फिल कर देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका लैपटॉप फॉर सेल। इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, यू आर नवीन नविता, नाम चेंज हो सकते हैं, ऑफ 14 मॉडल कॉलोनी उत्तरकाशी, यू वॉन्ट टू सेल योर लैपटॉप। आप अपना लैपटॉप बेचने गए, यू वॉन्ट टू सेल योर लैपटॉप, यानी आप अपना जो लैपटॉप है वो बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट आ सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन तैयार करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से अधिक आपने तैयार नहीं करना है जो आपका एडवर्टाइजमेंट है। फॉर पब्लिकेशन इन अ डेली लोकल न्यूज़पेपर अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स, आपको जो आपका वहाँ डेली लोकल न्यूज़पेपर है उसमें आपने उसको पब्लिश करना है, और उसके लिए आपने क्या करना है, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ योर लैपटॉप, आपने अपनी पूरी लैपटॉप की डिटेल दे देनी है। अब आपको लैपटॉप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लैपटॉप फॉर सेल आपने डाल दिया, बॉक्स के अंदर बंद किया, द डिटेल्स आर एज फॉलो। तो जो भी आपके लैपटॉप की डिटेल है वो आपने यहाँ पर नीचे लिख दी, जैसे कि आपने मैन्युफैक्चर बता दिया तो कंपनी का नाम दे दिया आपने, एसर ट्रेवल मेट। उसके बाद स्क्रीन साइज क्या आपका 14 इंच आ गया, डिस्प्ले टाइप क्या है TFT है। उसके बाद वेट कितना है 5.5 LBS है, प्रोसेसर कैसा है आपका Core 2 है Duo है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है Windows XP है, रैम साइज क्या है 4GB, HD साइज क्या है, ठीक है, हार्ड डिस्क 250 GB हो जाएगा यहाँ पे, रोम जिसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट आप कैसे कर सकते हैं आपसे जो भी कोई इसको परचेज करना चाहते हैं, तो आपने अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है। ऐसी पोस्टर मेकिंग आ जाता है पोस्टर प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर इज प्रीसियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्टेज, यानी पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रिपेयर अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, यानी यहाँ पर आपको जो पोस्टर तैयार करना है वो भी 50 शब्दों के अंदर ही देना है। रिक्वेस्टिंग पीपल टू एम्प्लॉय वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दियर लोकेलिटीज, पानी बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। तो आपने एक अच्छा सा पोस्टर तैयार करना है, वाटर इज लाइफ आपने यहाँ पर लिख दिया, आपने हाथ दिखा दिए, बीच में पानी की बूंद दिखा दी, यहाँ पे आप लिख देंगे हार्वेस्ट रेन वाटर स्टॉप इट्स वेस्टेज, एवरी सिंगल ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, कंजर्व इज ड्रॉप ऑफ वाटर, डोंट लेट गो नॉमिनियल कॉस्ट, इट मेक अस टेंशन फ्री, डोंट वेस्ट प्रीशियस वाटर, वी मस्ट स्टॉप वेस्टिंग द वाटर, एम्प्लॉय वेरियस मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये कुछ आपने देख लिए राइटिंग स्किल के। इसके अलावा लेटर वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो आप जब बच्चे PDF परचेस करेंगे उनको यहाँ पर ईजिली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ ग्रामर हैं जो आप यहाँ पे फटाफट इनको आप देख लीजिए, कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो आपने देख लेने हैं, ठीक है। जो भी आपके ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पर मैं सारे PDF में प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि इन PDFs को, ये टोटल जो 3 PDF आप देख रहे हैं, तीनों को आप कैसे ले सकते हैं, तो कुछ स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चाहिए तो इनकी कॉस्ट आप यहाँ से तीनों PDF की देख सकते हैं, तीनों PDF की कॉस्ट है, तो 3 में से कोई 1 चाहिए 2 चाहिए वो भी आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, तो इन तीनों की कॉस्ट बच्चों आपके स्क्रीन पर है। अब बात करें कि व्हाट्सएप पर कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप बच्चों व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जो भी PDF चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की, वो आपने हमें व्हाट्सएप पर बताना है, हम आपको एक QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, और जैसे आपका स्क्रीनशॉट आता है आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएंगी। अब बात करते हैं जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते, वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंबोज सर। सर्च करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने जो आएगा, वेबसाइट सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपने देखना है, कुछ इस तरह का आपको शो होगा, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली,
इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11th। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पे सामने पेज ओपन होगा तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा अंग्रेजी, ठीक है, इस पर सिंपली आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखो राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दो बुक है, तो दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए सिंपली आपने किसी एक पर भी क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब इनमें से आपको जो पीडीएफ चाहिए उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है, तो मान लिया हमने किसी एक पीडीएफ पर क्लिक करके इसको ऐड टू कार्ट कर लिया, कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसका नेक्स्ट पेज आपने कर देना है प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपने आप अपनी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप इसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगे जाएगा, फोन पे गूगल पे जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस होती है बच्चों तो आपको वहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे, बाकी जो क्वेश्चन आपको बताएं उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।